नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है दोस्तों, वो 28 और 29 जून को नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इसको लेकर लगातार लाखों विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे। और लगातार आज दूसरे दिन भी ट्विटर पर सबसे ज़्यादा नंबर वन पर ट्रेंडिंग में रहा राजस्थान में, अगर ट्रेंडिंग की बात की जाए राजस्थान लैब असिस्टेंट पोस्टपोन को लेकर। यह दोस्तों नई एग्जाम डेट सितंबर या फिर अगस्त की बात कही जा रही है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर RSM SSB बोर्ड परीक्षा करवाने वाला है, वो सितंबर और अगस्त में एक भी एग्जाम नहीं करवाने वाला है। इसीलिए दोस्तों ये महीना खाली है, और इसी समय अगर एग्जाम होती है तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए भी बच्चों को और समय मिल जाएगा। और इसी के साथ और यहाँ पर दोस्तों जी मेंस की भी एग्जाम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जी मेंस के लिए भी अप्लाई कर रखा होगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। आज की क्या अपडेट है राजस्थान लैब असिस्टेंट को पोस्टपोन को लेकर, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो लैब असिस्टेंट एग्जाम पोस्टपोन के लेकर दोस्तों लगातार छात्र मांग कर रहे थे। 19 अप्रैल को जो सिलेबस डाला था उसमें साइंस के विद्यार्थियों के दो पेपर कर दिए हैं, GK के अलावा शिक्षा, मनोविज्ञान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के समय आपकी मामले जोड़े गए हैं, करंट भी जोड़ा गया है इसमें। इसीलिए 2 महीने का ही समय है, अगर आप काउंट करते हो 19 अप्रैल से 28 या 29 जून को, तो 2 महीने का समय दिया गया, जो बहुत ही कम है छात्रों के लिए पढ़ने के लिए। 66 नए टॉपिक ज्योग्राफी के जोड़े गए हैं दोस्तों। इसीलिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती को एग्जाम को पोस्टपोन करने को लेकर लगातार दूसरे दिन आज ये दे सकते हैं RSM SSB प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 28-29 जून को पोस्टपोन करने को लेकर लगातार स्टूडेंट ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा था कि सरकार या बोर्ड उनकी बातों को सुने। हालांकि कल शाम को बोर्ड के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि इसको लेकर वो ऊपर बात करेंगे। बोर्ड के सीनियर अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा ने बताया है कि जो राजस्थान सरकार से इसको लेकर मंजूरी लेंगे, वित्त विभाग जो मंजूरी देता है उसी के बाद हम एग्जाम डेट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन NTA जी मेंस और 28-29 जून को होने वाली है, 20 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। और जो शेड्यूल है दोस्तों, अगर राजस्थान लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए दोस्तों एग्जाम है वो पोस्टपोन की जाएगी। और NTA जी मेंस की एग्जाम को देखते हुए BSc MSc और सिलेबस को बड़ा यहाँ पर होने की वजह से इस एग्जाम को पोस्टपोन करने को लेकर जो छात्र मांग कर रहे हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, आपकी जो परीक्षा है वो प्रयोगशाला सहायक की विज्ञप्ति जो जारी की गई उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, परिवर्तन किया गया, इसीलिए आपकी जो एग्जाम डेट में बदलाव को लेकर दो गुटों में यहाँ पर दोस्तों जो है स्टूडेंट जुट गए हैं। 50% बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो, 50% बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो। हालांकि दोस्तों इसको लेकर राजस्थान बोर्ड के सीनियर अधिकारी जल्द ही इसको लेकर बैठक करेंगे, और एग्जाम डेट पोस्टपोन को लेकर अच्छी अपडेट आप सबके लिए निकल के आएगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।